नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी पांडे, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और लाहौर डिक्लेरेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हाल ही में जो पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उन्होंने कहा है कि हमने एग्रीमेंट भारत के साथ तोड़ा है, हमने जो एग्रीमेंट भारत के साथ में किया था उसका पालन नहीं किया है। इस वजह से आज ऐसी कंडीशन है कि न तो कोई प्रॉपर डायलॉग पास हो रहे हैं और ना ही कोई कोऑपरेशन हो पा रहा है। अब लाहौर डिक्लेरेशन क्या था, जो 21 फरवरी 1999 को भारत के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने घोषित किया था। देखो, इस डिक्लेरेशन के 4-5 पॉइंट थे। पहला पॉइंट इसमें यह था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जितने भी इशू हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको रिजोल्व किया जाए पीसफुल तरीके से, डायलॉग के जरिए से, बातचीत करके, ना कि लड़ाई झगड़ा करके। खासतौर से जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर हुआ था कि जम्मू कश्मीर का जो मामला है वो पीसफुल तरीके से सुलझाया जा सके। दूसरा यह था कि किसी भी तरह से इंटरवेंशन नहीं करेंगे हम किसी भी देश के, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान में, चाहे पाकिस्तान इंडिया में, उसके इंटरनल मैटर में, मतलब हम किसी के अंदर में क्या पॉलिटिक्स हो रही है उसके बारे में कमेंट नहीं करेंगे। तीसरा यह था कि हम ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करेंगे और डायलॉग के जरिए पॉजिटिव आउटकम निकालने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा करेंगे कि बातचीत के जरिए कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हम दोनों देशों के बीच में हो, मतलब इंटीग्रेटेड डायलॉग प्रोसेस रहेगा, बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करेंगे। और चौथा यह था कि हमें ऐसा स्टेप उठाना चाहिए तत्काल, जिससे जो इन द फ्यूचर एक्सीडेंटली या किसी भी तरह से न्यूक्लियर वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ना हो। इस वजह से एक्सीडेंटल और अनऑथोराइज्ड यूज जो है न्यूक्लियर बॉम्ब का ना हो पाए, इस मुद्दे पे हम गहन बातचीत करेंगे और सिस्टमेटिक तरीके से इसको सेट करेंगे कि कभी भी ऐसा ना हो कि कहीं कोई शोर मचा दे कि किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब मार दिया पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान रिटेलिएशन में इंडिया के ऊपर मार दे, ऐसी कोई इंसर्जेंसी ना आए, ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन ना बिल्डअप हो। पांचवा यह था कि जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, जिसको SARS बोलते हैं, उसको और आगे बढ़ाएंगे, उसको और मजबूत बनाएंगे, जैसे क्वाड है प्रेजेंट टाइम में, या AUKUS है, नाटो है, यूरोपीय यूनियन है, ऐसे ही SARS भी है। SARS में इंडिया आता है, ओबियसली पाकिस्तान आता है, तो जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा बनाएंगे और पॉजिटिव आउटकम तलाशने की कोशिश करेंगे, खासतौर से डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देंगे, मतलब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। छठा पॉइंट यह था कि किसी भी सूरत में हम टेररिज्म का सपोर्ट नहीं करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसको फैलाने का विरोध करते हैं, उसको फंडिंग देने का विरोध करते हैं, संगठित करने का विरोध करते हैं, पूरी तरह से टेररिज्म का विरोध करते हैं हर एक फॉर्म में उसका। और सातवां यह था कि हम प्रोटेक्ट करेंगे ह्यूमन राइट्स को, फंडामेंटल फ्रीडम्स को, किसी भी देश में, वो चाहे इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो। लेकिन इस डिक्लेरेशन के तत्काल बाद में कारगिल वॉर हो गया और उस कारगिल वॉर में मेन प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन किया गया था, पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इन्फिल्ट्रेशन किया था, मिलिटेंट्स ने, उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कारगिल डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर का, वहां पे अटैक करने की कोशिश की, इंडिया ने रिट्रीट किया। और इसी वजह से जो पहला उन्होंने पॉइंट रखा था कि हम जम्मू कश्मीर के मुद्दे को पीसफुल तरीके से सुलझाएंगे, वो नियम वहीं तोड़ दिया पाकिस्तान ने। उसके बाद में लगातार पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन कराता रहा है, लगातार आतंकवादियों को भेजता रहा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ाता रहा, तो जो ऑल फॉर्म में टेररिज्म को कंडेम कर रहे थे, ये पॉइंट भी पाकिस्तान ने तत्काल तोड़ दिया। इवन दो कि अटैक भी कराया 2001 में पार्लियामेंट में और उसके बाद में मुंबई में 2008 में अटैक करवाया, तो पाकिस्तान लगातार इन नियमों को तोड़ता रहा है। तो वही जो उस टाइम पे नवाज शरीफ थे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, वो आज कह रहे हैं कि हमने ही नियम तोड़ा है जो हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में लाहौर डिक्लेरेशन में वादा किया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, पीसफुल तरीके से आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमने नहीं किया, हमारी गलती है, हमने ही सारे नियम तोड़े हैं, तो आज ये कंडीशन आके खड़ी हो गई है।